सलमान खान लंदन से जब लौटे मुंबई तो शेरा ने एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी के बीच भाईजान को किया कार तक एस्कॉर्ट। सलमान खान ने यहां पैपराजी से इंटरेक्शन पूरी तरह से किया अवॉइड। क्या सलमान खान अपने घर पर हुई फायरिंग केस में अरेस्टेड एक अक्यूज्ड की हुई डेथ के क्वेश्चन को करना चाहते थे अवॉइड? और गोल्डी ब्रार, अ कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर अलेजेड टू बी द मास्टरमाइंड बिहाइंड द मर्डर ऑफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला एंड अक्यूज्ड ऑफ थ्रेटनिंग सलमान खान, वेल इसी गोल्डी ब्रार के यूनाइटेड स्टेट्स में हुई मौत की न्यूज में है कितनी सच्चाई। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग केस में ढेर सारी अपडेट सामने आई है और इसमें सबसे बड़ी न्यूज है कि इस केस के वन ऑफ द अक्यूज्ड अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में हुई अलेजेड सुसाइड से मौत। रिपोर्टेडली अक्यूज्ड अनुज थापन ने इस इंसिडेंट में हथियार सप्लाई किए थे और अनुज को पंजाब से 25 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था अलोंग विद अनदर अक्यूज्ड सुभाष। पुलिस का कहना है कि अक्यूज्ड अनुज ने आत्महत्या की है, लेकिन अब अनुज के परिवार वालों का कहना है कि उनकी मौत पुलिस टॉर्चर के कारण हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अनुज ने खुद ही अपनी जान दी है। अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। अनुज के परिवार ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, He was not the kind who could have committed suicide. He was murdered by police. We want justice. He worked as a truck helper. We all know how much security is there in police custody. On one side is superstar Salman Khan and on the other side are the laborers. Under pressure, they have killed him and framed it as a suicide. वहीं अनुज थापन के डेथ की न्यूज के बीच सलमान खान लंदन से मुंबई लौटे और हेवी सिक्योरिटी का इंतजाम एयरपोर्ट पर किया गया था। यहां सलमान खान काफी सीरियस मूड में दिखे और पैप से उन्होंने इंटरेक्शन पूरी तरह से अवॉइड किया। वहीं सलमान खान को कार तक एस्कॉर्ट किया उनके बॉडीगार्ड शेरा ने और सलमान खान यहां से अपने बुलेट प्रूफ कार में रवाना हो गए। सलमान खान वैसे सिक्योरिटी कवर में तो आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने डे टू डे रूटीन को फॉलो करना बंद नहीं किया है। वो हाल ही में दुबई और लंदन दोनों जगह गए थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी टीम से कहा है कि इस इंसिडेंट के बावजूद वो अपने किसी भी शूटिंग कमिटमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे। सलमान खान के इस डेयरिंग स्टेप के बीच ये खबर भी आई है कि सिद्धू मूसेवाला शूट आउट का मेन आरोपी और सलमान खान केस में धमकी देने वाले वन ऑफ द अक्यूज्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी ब्रार की मौत यूएसए में गोली लगने से हो गई है। लेकिन अब यूएसए पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर कहा है कि ये न्यूज पूरी तरह से गलत है और जिस शख्स की मौत फायरिंग इंसिडेंट में हुई है वो कोई और है। वेल, सलमान खान के घर हुई फायरिंग इंसिडेंट के बाद से सबके दिलों में फिर से पुराने अंडरवर्ल्ड के दिनों की यादें ताजा हो गई हैं, जब एक्टर्स को धमकियां मिला करती थी और कई बार कुछ सेलिब्रिटीज पर हमले भी हुए थे। लेकिन मुंबई पुलिस का दावा है कि उन्होंने तमाम आरोपियों को अरेस्ट करके इस मामले में वाटर टाइट केस तैयार किया है। लेकिन पुलिस कस्टडी में एक अक्यूज्ड की हुई अलेजेड सुसाइड के बाद पुलिस के जांच के तरीकों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं।